भारत में बाघों की आबादी 2967 है, 2967। कुछ साल पहले इससे आधे भी मुश्किल से थे हम। बाघों को लेकर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था। यह संकल्प था 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करना। लेकिन यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर ली। भारत में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज और कम्युनिटी रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ी। जब मैं बाघों का डेटा रिलीज कर रहा था तो मुझे गुजरात के गीर के शेर की भी याद आई। जब मैंने वहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था तब गीर के जंगलों में शेरों का हैबिटेट सिकुड़ रहा था, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। हमने गीर में एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2007 में वहाँ महिला गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया, पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए। जब भी हम प्रकृति और वन्य जीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़कर कंपेशन को लेकर सोचना ही होगा। हमारे शास्त्रों में इस विषय में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। सदियों पहले हमारे शास्त्रों में हमने कहा है, निर्वनो बद्धते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत, वनम व्याघ्रम न पालयेत। अर्थात यदि वन न हो तो बाघ मनुष्य की आबादी में आने को मजबूर हो जाते हैं और मारे जाते हैं, और यदि जंगल में बाघ न हो तो मनुष्य जंगल काटकर उसे नष्ट कर देता है। इसलिए वास्तव में बाघ वन की रक्षा करता है, न कि वन बाघ की। कितने उत्तम तरीके से विषय को हमारे पूर्वजों ने समझाया है। इसलिए हमें अपने वनों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का न केवल संरक्षण करने की आवश्यकता है बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिससे वे सही तरीके से फल फूल सकें।